हमीरपुर जिला में बढ़ रही चोरियों के मामले से निपटने के लिए पुलिस ने मासिक क्राइम बैठक में चर्चा करके ठोस रणनीति तैयार की है। पुलिस लाइन दुसड़का में आयोजित हुई मासिक क्राइम बैठक की अध्यक्षता एसपी रमन कुमार मीणा ने की। इस अवसर पर जिला में हो रही चोरियों में शामिल चोरों को पकड़ने के लिए खाका तैयार किया गया। साथ ही जिला के सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं कि क्राइम को रोकने के लिए सतर्कता बरतें। बैठक में एएसपी राजेश कुमार, डीएसपी रेणु शर्मा भी मौजूद रहीं। एसपी रमन कुमार मीणा ने कहा कि मासिक बैठक के दौरान जिला में हो रहे क्राइम के मामलों को निपटाने के लिए फीडबैक ली गई और जिला में कुछ क्षेत्रों में चोरियों के मामलों को सुलझाने के लिए ठोस रणनीति बनाई गई। साथ ही पेंडिंग केसों का भी जल्द सुलझाने के लिए निर्देश जारी किए गए। हमीरपुर पुलिस का जो क्राइम और वेलफेयर से संबंधित जो मीटिंग होती है, जो कि हर महीने पहले सप्ताह में 5 तारीख को आयोजित की जाती है, उसमें ओवरऑल क्राइम जो हमारे यहाँ हो रहा है, साथ ही साथ उसमें क्या इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अपराध को लेकर जितने भी हमारे पास जो डाटा है, पुलिस का फीडबैक वो लिया जाता है, साथ ही साथ अगले कुछ मामलों में निर्देश दिए जाते हैं। तो हमारा विशेष प्रयास तो इसमें जो चोरियाँ पिछले दिनों में हुई हैं उनको लेकर रहा है। पिछले कुछ दिनों में हमने बड़सर क्षेत्र में कुछ चोरियों के मामले सुलझाए हैं, साथ ही साथ जो अभी रिसेंट 2-3 मामले हैं जिसमें हम बिल्कुल एकदम उसको क्रैक करने के करीब पहुँच चुके हैं। तो इसको लेकर हमने हमारे जो थाना अध्यक्ष हैं उनको निर्देश दिए हैं और पिछले जो पेंडिंग केस हैं उनमें तेजी से कार्रवाई करने का उनको निर्देश दिया गया है। गौरतलब है कि गत कुछ महीनों से जिला भर में चोरियों की घटना में इजाफा हुआ है और चोरों को पकड़ने के लिए पुलिस भी कुछ खास सफलता हासिल नहीं कर सकी है। इसी के चलते पुलिस क्राइम बैठक में चोरों को पकड़ने के लिए विशेष रणनीति तैयार की गई।